नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराला ने कहा है कि व्यक्ति विशेष का ना होकर जनता का गढ़ बनेगा एलनाबाद। सिरसा के महेश्वरी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सुभाष बराला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों के चाटुकार लोग जो कुछ समय पहले ये कहते थे ये तो गढ़ है, लेकिन गठबंधन सरकार की टीमों की ओर से किए गए चुनाव प्रचार के बाद सारे समीकरण बिगड़ गए हैं। यहाँ की जागरूक जनता ने इसके गढ़ को व्यक्ति विशेष की बजाय जनता का गढ़ बनाने का मन बना लिया है। सुभाष बराला ने कहा कि वे चुनाव की शुरुआत में धरातल से चले थे, लेकिन पार्टी के नेताओं के धुआंधार प्रचार और टीम वर्क ने इस उपचुनाव को धरातल से आसमां तक पहुंचाने का काम किया है। लोगों पर जबरन ये चुनाव थोपने वाले लोगों ने कहा था कि वो जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ना तो विधानसभा जाएंगे और ना ही वोट मांगेंगे, लेकिन वही लोग सुबह से लेकर देर रात्रि तक लोगों की दहलीज पर नाक रगड़ रहे हैं। बात का धनी कहने वाले लोग अब सामने क्यों नहीं आ रहे? एलनाबाद विधानसभा की जनता इन अहंकारी और भय का माहौल पैदा करने वाले लोगों से तंग आ चुकी है और आजादी चाहती है। सिरसा से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। अब अपने अंतिम चरण में और सुभाष बराला जी ने पूरी विस्तार से इस पे आपको रोशनी डालने का काम किया है। निरंतर आप लोग भी इस चुनाव की एक एक बारीकी से पूरी तौर पे जुड़े रहे हैं। मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, उसके जरिए उसे दिखाने का काम भी किया है। चुनाव जब शुरू हुआ था तो तरह तरह की शंकाएं थी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तो यहां तक भी कहते थे ये लोग गांव में तो जा करके दिखाएं, ये लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते थे, परंतु आपने देखा मैं पूरे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नजर नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेट लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष दंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों के भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हल्ला करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा भी हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीत गोविंद कांडा यहां से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड कितना दूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले तो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज नहीं देती। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज पर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए जरूर जाऊंगा इलाहाबाद में। उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया
इस अमन को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में हैदराबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछड़े लंबे समय से पिछड़ा रहा है उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को बजट के रूप में आपको देखने को मिले। आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, इसी तरीके से डरने घबराने की जरूरत नहीं। किसान नेता जो किसान के ऐसी बढ़ने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चटूड़ी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्ला खुल्ला इशारा करने का काम। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे हैं? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे होते हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं हो, निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद। की तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूं कि हर उपचुनाव में या जो भी चुनाव उससे लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट होना चाहते हैं, मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देख के आया है, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह आपका हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बाई इलेक्शन हुए, रूड़ी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी का मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं सिरके की बात नहीं, कहीं गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस सिरके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया भी जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव में सीधे लोग हैं, पर पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना, हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय इतना बड़ा विकल्प बन गया है। कल मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो 30-40 साल का उसे एक लंबा स्पैन मिलता है। इटली और जर्मनी ने जब कोलिशन पीरियड आया तो 30 साल तक सरकारें, मतलब 32 साल के जमाने में जर्मनी ने 48 सरकारें बनी और टूटी। एक कोलिशन पीरियड यूपीए एनडीए का चल था। अब 1984 के बाद पिछले 30 सालों में, आप 1984 के बाद 16 और 14 30 साल के बाद लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय नेता में स्वीकार करके गठबंधन की बंद करके एक पार्टी को सिंगल बहुमत किया और उसके बाद दोबारा रिपीट करा। कैंडिडेट कोई भी बने पार्टी देखी आप, भारतीय जनता पार्टी का अपना कद इतना बड़ा है और मैं उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस को समझू तो कांग्रेस तो सीमेंट की पार्टी हो गया, इसका तो लास्ट पड़ाव है। आपने यह भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत नीचे जा गई, पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदर जाके पोल होगा। अगर उसमें 25,000 से कम वोट आते हैं तो 16 से अगर कम वोट आता है तो उसकी स्टोरी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।